फिल्म द केरला स्टोरीज खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम जो है वो मंत्रियों के साथ फिल्म देखी। मैम क्या कैसी रही फिल्म, क्या रहा? फिल्म बहुत अच्छी थी, आंखों से आंसू आने लगे। और हम ये कहेंगे फिल्म हर स्कूल में दिखानी चाहिए और हर लड़कियों को, जो भी लड़कियां हैं उनको जरूर बताना चाहिए। हम लोग तो इस पर काम ही कर रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि वो ऐसी फिल्म को सबके साथ दिखाकर एक मैसेज दे रहे हो। हम कहेंगे जितने विधायक जितने स्कूल के टीचर हैं सबको दिखाना चाहिए। आप रो रही हैं फिल्म देखने के बाद? मुझे बहुत दुख लगा। तो लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि इस तरह की फिल्में जो है वो बैन करनी चाहिए और बैन की भी गई। अरे विपक्ष को क्या समझ है, वो महिला को कुछ समझता ही नहीं, बेटियों को कुछ समझता ही नहीं है। उसको अपनी राजनीति से मतलब है, उसको ये देश से कुछ मतलब नहीं। ये तो हमारे मोदी जी और योगी जी हैं जो नारियों का सम्मान रखते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मंत्री जी हैं, प्रतिभा जी हैं, ये रो रही हैं फिल्म देखकर निकली हैं, इनकी आंखों से आंसू जारी हैं और इन्होंने जो है वो तमाम बातें कहीं और ये कहा कि विपक्ष को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आपने देखा कि फिल्म देख के निकली हैं और भावुक हैं और उनका यही कहना है कि सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर फिल्म देख के आए हैं, क्या रहा फिल्म? निश्चित रूप से जिस प्रकार से लव जिहाद धर्मांतरण जो कुछ प्लांट तरीके से चल रहा है उसका घिनौना कृत्य देखने को मिला, जिसे सबक लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये बच्चे बच्चे को नौजवान पीढ़ी को देखना चाहिए, जिससे इस तरह के गुमराह करके जिस तरीके से धर्मांतरण करा करके जो बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है उससे लोग सबक लें, संवेदनशील हों, बच सकें। लेकिन कहा गया कि इस फिल्म में जो है वो नफरत फैलाने की कोशिश की विपक्ष ने। 100% वास्तविक तथ्यों के आधार पर फिल्म है और मुझे लगता है इसको देखना चाहिए बच्चों को, ताकि इससे सबक लेते हुए इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। हम देखते हैं भूपेंद्र चौधरी जी भी फिल्म देखकर निकल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे भी बात जो है वो हो सके। ये तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं आपको। बेबी रानी मौर्या जी से बात कर लेते हैं। मैम कैसी रही फिल्म, आप देखकर अभी निकली हैं तो किस तरह से महसूस किया फिल्म? क्या मैसेज देने का काम किया? देखिए फिल्म देख के तो यही महसूस किया कि अब कुछ करने का समय आ गया है। अपनी बेटियों को हम कैसे बचाएं ऐसे दरिंदों से, ऐसे आतंकियों से, और उनको कैसे सबक सिखाया जाए, बस ये करने का समय है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं नफरत फैलाने का काम किया गया। ये नफरत फैलाने का काम है, पिक्चर देख के भी नफरत फैलाने का काम है। बच्ची के माता पिता बोल रहे हैं बाद में, ये नफरत फैलाई जा रही है। ये उनको शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो बेबी रानी मौर्या हैं, फिल्म देखकर निकले हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। इनका यही कहना है कि अब अपनी बेटियों को बचाने का वक्त आ गया है। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। जल्दी आओ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर फिल्म कैसी रही? फिल्म कोई मनोरंजन नहीं है। लगा लें तो एक क्या करें, फिल्म कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। ये चिंतन मंथन करके और इस देश के खिलाफ अगर इस प्रकार की साजिशें हैं जिसका केरल फिल्म के माध्यम से फिल्मांकन करने का काम किया गया है, तो इसे हर हाल में जांच करके कदम उठाने की आवश्यकता। सर ये भी तमाम जगहों पर बैन भी की गई है फिल्म, बैन किया गया, उसे बैन हटाना चाहिए, ऐसी मांग करता हूँ। सर कई जगह बैन की गई है फिल्म, ये भी देखा गया, किया गया। सर कितनी बड़ी सीख है फिल्म आम बच्चियों के लिए, काफ़ी लोगों की स्क्रीनिंग हुई आज? देखिए ये बहुत बड़ी फिल्म है, बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है और इसको केवल फिल्म के रूप में नहीं लेना चाहिए। और इस फिल्म में जो देखा गया है उससे ये लगता है कि पूरे देश को सावधान हो जाना चाहिए और सजगता पूर्वक इस प्रकार की जहाँ भी साजिशें कोशिशें चल रही उसे रोकने के लिए कदम उठाना। जिन राज्यों ने सर बैन किया, बैन किया उन्हें हटाना चाहिए। तो केशव प्रसाद मौर्य जी थे, उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में बैन की गई ये फिल्म उसको जो है वो तत्काल हटाने की जरूरत है। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।
द केरल स्टोरी फिल्म खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम लोगों ने फिल्म देखी। ये महिलाएं आई हुई हैं फिल्म देखने के लिए यहाँ पे। कैसी रही फिल्म, आप लोगों ने देखा? फिल्म एक बहुत ही अहम मैसेज छोड़ रही है हम सबके बीच में। जो भी लव जिहाद के मैसेज इस फिल्म को देख के जो हमको मिला है, हमारी जो भी यंगस्टर हैं बहनें वो अवेयर रहें और किसी भी तरह से जबरन धर्मांतरण को प्रेरित इसको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, इसका डट के मुकाबला करें, इसका विरोध करें। क्या क्या देखा आपको, क्या समझ में? देखिए, हमारे देश में जो अनसुनी चीज़ों को आज इस मूवी के माध्यम से दिखाया गया है, इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हिंदू लड़कियों के साथ किस तरीके से गुमराह करके उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसमें ये भी एक दिखाया गया है कि हाँ, लड़कियों ने गलती की है तो उनको सजा भी मिली, उससे एक संदेश बहुत अच्छा गया है और मुझे लगता है कि इस मूवी का नीचे तक जाना चाहिए और लोगों को देखना चाहिए। आपने भी देखा मैम? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इस मूवी के द्वारा दिखाया गया है देश में कि किस प्रकार से मुसलमान हमारी हिंदू बेटियों के साथ गलत व्यवहार करके उनको मोटिवेट करके उनको देश के लिए और अपने ज़रूरतों के लिए यूज़ करने के लिए उनको मोटिवेट करके यहाँ से ले जाते हैं। और हमारी जो बेटियाँ, मैं चाहती हूँ कि उनको इसको देखकर समझना चाहिए कि किस तरह से मुस्लिम जो युवक होते हैं हमारी बेटियों को इस तरह से भड़काते हैं और अपने साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं और उनको ले आते हैं। मुसलमान भड़काने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं? नहीं, मतलब जो भी है कि आप लड़कियों को थोड़ा सावधान होना चाहिए, लड़कियों को खुद की जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स अगर उनको कहीं भेजते हैं तो उनको समझना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों को। बस, बातचीत के लिए शुक्रिया। तमाम लोग हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक के बाद एक मंत्री, एक के बाद एक नेता यहाँ पे जो है वो निकल रहे हैं और ये चीज़ों साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है। ये बड़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएँ अंदर चलते हैं जहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चियाँ भी फिल्म देख के निकली हैं और कुछ महिलाएं भी फिल्म देख के निकली हैं, बात करते हैं। मैम, फिल्म देखी आपने बच्चों के साथ, क्या संदेश दिया गया है फिल्म में? संदेश ये दिया गया कि बच्चियाँ जो माता पिता को जो भटक रही हैं, रात कॉलेज चली जाती हैं, वो सोचती हैं कि कॉलेज चले गए हैं अब माँ बाप से बिल्कुल फ्री स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्रता नहीं रखनी है और बिल्कुल माँ बाप के नक्शे कदम पे संस्कार उनको अपना जो अपनाए हैं उन्हीं पे चलना चाहिए। बेटा, आपने देखी फिल्म, क्या रहा फिल्म में, क्या संदेश रहा? किसी के बहकावे में नहीं आनी चाहिए, जल्दी पेरेंट्स को छोड़ के किसी और की बात नहीं माननी चाहिए, बाहर लोग के बाहरी लोगों की बात नहीं माननी चाहिए। क्या रहा फिल्म में मैम? बहुत अच्छी थी मूवी। हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा अपने फादर और माम की बात माननी चाहिए, जो कहें उसी को सुननी चाहिए, किसी और के बहकाव में नहीं आना चाहिए और किसी को अगर जानते हैं तो पहले उसे जान लें, परख लें, तभी हमें उसे थोड़ा रिलेटिव बनाना चाहिए और जहाँ पे हो सके माँ बाप की ही बात मान के हमें शादी करनी चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। तो ये फिल्म की तमाम जो है वो यहाँ पे लोग हैं। मैम, बात करना चाहेंगे आपसे, क्या रहा फिल्म में, क्या कुछ संदेश मिला आप लोगों को फिल्म देख के? ये मूवी देख के हमें यही सीख मिली है और इससे हमें ये सीख मिली है कि आगे हम किसी के बहकावे में ना आए, कभी कोई हमें बहकाने की कोशिश करता है रिलीजन के नाम पे, कल्चर के नाम पे, तो हम बहके ना और अपने पेरेंट्स की बात माने और हम सब आज़ाद हैं, हर धर्म में हम सब आज़ाद हैं, अपने धर्म को फॉलो करें, अपने कल्चर के बारे में जाने, अपने रिलीजन के बारे में जितना हो सके हमें जाने और पेरेंट्स को भी अपने रिलीजन के बारे में बच्चों को जागरूक करना चाहिए और सब कुछ उन्हें बताना चाहिए जो हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में जो होता है, और आगे हम किसी के बहकावे में ना आए। तो यही है कि हम इससे यही मूवी से सीख मिली है कि हम कभी किसी के बहकावे में ना आए और कोई हमारा ब्रेन वॉश ना करे, हम खुद इतने स्ट्रांग हों मेंटली कि हमें कोई हमारा कोई ब्रेन वॉश ना कर पाए। तो तमाम जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, फिल्म देखकर निकली हैं, उनका यही कहना है कि फिल्म में साफ तौर पर संदेश है किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और जो महिलाएं फिल्म देखकर निकली हैं उनका ये कहना है कि अपने बच्चों को किस तरह से बचाया जाए, इस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। बिहार में मंत्री फिर से करना उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, क्या देखा फिल्म में, किस तरह की फिल्म रही? देखिए, जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, कहीं ना कहीं जिन्होंने फिल्म बनाई है
कई तथ्य सामने आए होंगे तब ये फिल्म बनाई है, और मैं कह सकता हूँ कि बच्चों को देखना चाहिए और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक सवाल ये था कि कई जगहों पर बैन भी की गई है ये फिल्म बंगाल जैसे, बच्चों के भविष्य के विषय में अगर कहीं कोई बच्चों को दिखाने का प्रयास किया जाता है, हकीकत दिखाने का प्रयास किया जाता है, वहाँ वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति, उन्होंने कहा कि बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाने की ज़रूरत है। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। सर, फिल्म देखी आपने, क्या कुल फिल्म में समझ में आया आपको, किस तरह से उसको देख? फिल्म जो आइसिस का घटनाक्रम रहा कुछ सालों पहले उसके बारे में है, और जो फिल्म में दर्शाया गया है लगभग उसी समय में ATS यूपी को हेड करता था, तो घटनाक्रम काफ़ी एक्यूरेट तरीके से इसमें दर्शाया गया। अब फिल्म है, फिल्म में थोड़ा मेलोड्रामा भी होता है, लेकिन सबक हमारे लिए ये है कि आइसिस जैसे घटनाक्रम से, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश से हम लोग अपने आप को बचा पाए, क्योंकि हमारे राष्ट्र की अंदरूनी ताकत बहुत है, हमारी एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया, ये हमारे लिए भविष्य के लिए सबक भी है। लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ, जिस प्रकार जैसा फिल्म में दिखाया युवाओं को भटकाने का काम किया गया, भविष्य के लिए हमको उसके लिए सचेत रहने की जरूरत है। जगहों पर प्रतिबंधित भी की गई है फिल्म की, ये शायद समाज में जो है वो दूरियां बढ़ा रही है एक दूसरे के प्रति, इस तरह की बातें कह के प्रतिबंधित किया गया, ये गलत संदेश है। फिल्म आतंकवाद के बारे में है, न कि किसी धर्म के बारे में, इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा। और किसी भी धर्म का व्यक्ति इस प्रकार के आतंकवाद की भर्त्सना करेगा, और मुझे विश्वास है कि इस फिल्म को देख के हम सब सबक भी लेंगे, अपने राष्ट्र की जो अंदरूनी शक्ति है उसको मजबूत भी करेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। असीम अरुण जी हैं, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा इस फिल्म को किसी धर्म विशेष के नाम पे नहीं लेना चाहिए, और इस फिल्म को जो है वो सीधे तौर पर उस चीज़ों से जोड़कर, आतंकवाद से जोड़कर देखना चाहिए, वो किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह का काम किया जा सकता है, अपने बेटियों को अपने बच्चों को इनसे महफूज रखने की ज़रूरत है। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी से विधायक राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। मैं सर, आपने देखा कि कितनी फिल्म देखी सब लोगों ने, क्या कुछ संदेश मिला आप लोगों को? आप तो बड़ी पोस्ट पे भी रहे हैं, अफसर भी रहे हैं, इस तरह की चीज़ें पहले भी सामने आती? नहीं, बहुत ही गंभीर इशू है, केरला में बहुत ही गंभीर समस्या है। ISIS का फुटप्रिंट होना, वहाँ बेटियों को इस तरह से बहलाना फुसलाना, इस साजिश के लिए मेरा मानना है, और कठोर कानून होने चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत अच्छा इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए। केरला की वैसे भी बहुत गंभीर समस्या है, 1901 में वहाँ पे हिंदुओं की आबादी जो है 68.5% थी, जो घट के आज 54% हो गई, 14% घटे हैं। ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस देश के लिए, स्टेट के लिए ठीक नहीं है। उमेन चंडी ने 2012 में खुद बताया कि 2006 से 2012 के बीच में 3667 कन्वर्जन्स हुए, ये बहुत गलत है। तो कन्वर्जन्स इस तरह से नहीं होने चाहिए, बेटियों को बहला फुसला के आतंकी संगठन ज्वाइन कराना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा घृणित कार्य नहीं हो सकता, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कई जगहों पर प्रतिबंधित की गई है फिल्म, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं नफरत फैलाने का काम करा गया फिल्म। शर्म आनी चाहिए जो लोग, जो राज्य इसको प्रतिबंधित कर रहे हैं, धार्मिक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है ये, देश के साथ, बेटियों के साथ, युवाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ के सत्य को स्वीकार करते हुए बच्चों को जागरूक करना चाहिए, और ऐसे कट्टरपंथी संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राजेश्वर सिंह जी को, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और तुष्टिकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, फिल्म देख के निकले हैं, क्या संदेश दिया गया है फिल्म में? देखिए, फिल्म जो केरला की फिल्म दिखाई गई है उसमें साफ संदेश है कि किस तरह से भोली भाली लड़कियों को धर्म परिवर्तन करा करके किस तरह से उनके साथ शोषण किया जाता है, और जिस तरह का ये कार्य हो रहा है इसके रोकने के लिए इसको संदेश, अच्छा संदेश है फिल्म में, अच्छा दर्शाया गया है। कम से कम जो बालिग लड़कियां, उनको अपने अच्छे बुरे का ध्यान रखना चाहिए, कहीं बाहर हैं हॉस्टल में तो पढ़ने में के समय भी इस तरह की कोई बात ना हो जिससे कि कहीं कोई बाद में कठिनाई आए। कई जगहों पर प्रतिबंधित भी कर दी गई है फिल्म ये, बंगाल
अब वहाँ कर दिया होगा, लेकिन यूपी में तो आज पूरी सरकार ने एक साथ बैठ करके इस फिल्म को देखा है और हाँ ये टैक्स फ्री भी किया है, इसका संदेश भी एक अच्छा है। तो चलिए, राकेश सचान जी से सुना आपने, उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्म को सभी बच्चों को देखना चाहिए जिससे एक अच्छा संदेश जा सके। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, क्या रहा फिल्म देखा आपने? क्या देखा? फिल्म देखने वाला लगा कि हमारे भारतीय सभ्यता पर बहुत ज़्यादा कुठारघात है, इस तरीके के भोले भाले लोगों के माइंड वॉश करके लोगों को धर्म परिवर्तन कराना। धर्म का छूट उतना ही है कि पूजा पाठ करिए, धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन किसी के मस्तिष्क को माइंड वॉश करके और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस पर हमारा तो मानना है कि इस पर ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए कि इस तरह का काम करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कई जगहों पर प्रतिबंधित की गई है सर, फिल्म प्रतिबंधित भी की गई है कई जगहों पर। नहीं, ये तो फ्री होना चाहिए जिससे लोग इससे सतर्क हो जाएं और अपने बच्चों को संभालें, समाज संभालें, और वो जिनको उससे एक विशेष वर्ग से राजनीति, जिस प्रदेश को जिन नेताओं को जिसे इस विशेष वर्ग से राजनीति करना हो उन्हें लगता है। इस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय मामला, एक राष्ट्रीय मामला, एक धर्म और एक व्यक्ति का मामला नहीं है। इस तरीके से पूरे विश्व के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। इसमें प्रतिबंध लगाना नहीं बल्कि हर आदमी को जानना चाहिए और इस तरीके का अपकृत नहीं होना चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना संजय निषाद जी को। चलते हैं और भी जगहों पर। यहाँ पे रजनी तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रजनी जी, फिल्म देखी पूरी, आपने क्या संदेश मिला? आप वाकई में फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, देख करके इसको समझने की ज़रूरत है किस तरह से हो रहा है, किस तरह से बच्चों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करवा के किधर उनको धकेला जाता है। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत समझना चाहिए इसको, सबको देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री किया है, हम तो कहेंगे कि सभी पूरी फैमिली के साथ इस मूवी को ज़रूर देखें। कई जगहों पर प्रतिबंधित भी किया गया है ये बोल के कि इसमें नफरत फैलाने का काम किया गया। नहीं, जागरूकता वाली फिल्म है और सबको जागरूक होना चाहिए। जहाँ पे प्रतिबंध लगाया है हम तो कहेंगे कि उनको भी सद्बुद्धि आए, मूवी को देखें और सबको दिखाएं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना पहले संजय निषाद जी को, फिर रजनी तिवारी जी को। फिल्म देख के सभी लोग निकले हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए और बच्चों को दिखाने की ज़रूरत है। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, फिल्म देख कर निकले हैं आप, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए और आपने क्या महसूस किया फिल्म देख? देखिए, मैं तो यही महसूस किए कि एक सच पर आधारित पिक्चर है और एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है टीनेजर के बच्चों को, क्योंकि आप उनके जीवन में एक जो जब उनको प्रेम जाल में फंसा करके उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और वो अपने माँ बाप के सपनों को भी चकनाचूर कर रहे हैं और ऐसे रास्ते पर चले जा रहे हैं जहाँ से उनकी वापसी संभव नहीं है और बहुत यातनाओं के साथ। और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, ये केवल ये देश के नहीं, देश के लोग उसमें पिक्चर में दिखाया है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश में यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं देश के वो भी कितने उसमें शामिल हैं और एक हंसते हुए परिवार को किस तरह से बर्बाद किया गया है, ये सब चीज़ें एक तरह से संदेश देने वाला है। कई जगहों पर फिल्म को प्रतिबंधित भी किया गया है सर, और ये संदेश जो है वो देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई कि इसमें नफरत जैसी बातें हैं, इसलिए समाज को बांटने वाली बातें हैं, इसलिए प्रतिबंधित बंगाल जैसी जगहों पर किया। देखिए, इसमें कहीं नफरत की बातें नहीं है, नफरत की बातें नहीं है, किसी के खिलाफ में नहीं है, ये तो आतंकवाद के खिलाफ में है, जो साजिश कर रहे हैं बच्चों के साथ उसके खिलाफ में है। और कुछ लोग इससे हो सकता है कि उनकी राजनीति पर फर्क पड़ती हो, उनको लगता हो कि मेरा वोट कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो लोग इस तरह के बैन करने की बात करते होंगे, जबकि ये तो शिक्षाप्रद है और इस पर सभी सरकारों को टैक्स फ्री करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चा इसको देखे कि अपने उस जीवन में कभी गलत रास्ते पर न जा सके। दयाशंकर सिंह जी को सुना, बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया है और कहा कि बच्चों को देखना चाहिए फिल्म ताकि वो कभी गलत रास्ते पर ना जाएं। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।